गाइस फिर से बिग बॉस के अंदर एक बहुत ही डेंजर फाइट हुई अविनाश में और अभिषेक में। अब गाइस इन दोनों के बीच फाइट किस चीज के ऊपर हुई है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो फुकरा इंसान को पनिशमेंट मिली हुई थी, तो गाइस अभिषेक उस पनिशमेंट में असफलता हो गए थे। तो गाइस इसी पनिशमेंट जीतने के लिए बिग बॉस ने फुकरा इंसान को कुछ राशन दिया था और बिग बॉस ने ये कहा था कि स्टोर रूम में से अपना राशन ठा लो। तो गाइस जब अभिषेक अपना स्टोर रूम में से राशन लेने के लिए गए वहाँ पर फुकरा इंसान को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन गाइस फिर अभिषेक अविनाश के पास गए, अविनाश ने टास्क नहीं किया था। तो गाइस फुकरा इंसान अविनाश से इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। फुकरा इंसान ने अविनाश से ये कहा कि ये टास्क तूने क्यों नहीं करा, मैं टास्क नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, तेरी डिसीजन की वजह से 7-8 बंदे भूखे रहेंगे। तो फिर फुकरा इंसान कहते कि तू अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाकर अपना टास्क कर लेता, लोगों को खाना मिल जाता। तो फिर फुकरा इंसान ने अविनाश पर एक बहुत ही डेंजर डायलॉग मारा। फुकरा इंसान ने अविनाश से ये कहा कि तुम्हारी तो कॉफी की एक चम्मच देने से फटती है और तुम्हारी वजह से 7 लोग भूखे रहेंगे। और फिर अभिषेक ये कहते कि ये अंडे रखे हैं, ये भी तू ही ले जा, ये भी तू ही खा लिए। तो फिर मनीषा अविनाश से ये कहती है अगर तू अपना टास्क कर लेता तो ब्रेड और मक्खन सब पे आ जाता है। तो फिर अविनाश ये कहते कि अगर 8 दिन तुम नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। तो फिर अभिषेक ये कहते कि भाई खाने की बात नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से 7 आदमी नहीं खा पा रहे। तो फिर अविनाश फुकरा इंसान को ये कहते हैं कि चल चल ऐश कर। तो फिर फुकरा इंसान ये कहते कि भाई मैं तो ऐश ही कर रहा हूँ और बाहर जाने के बाद भी ऐश करूंगा, तू अपने बारे में सोच। लेकिन गाइस अगर एलवी यादव के बारे में बात करें तो एलवी यादव ने इस लड़ाई के बहुत ही ज्यादा मजे लिए हैं। तो एलवी यादव ने कहा कि भाई तुमने बहुत गलत किया। तो फिर एलवी यादव फुकरा इंसान से ये कहने लगते हैं अब तो उसको बिल्कुल साफ कह करेंगे। फुकरा इंसान ने कहा कि क्या कह करेंगे, कि वो बेवकूफ का बच्चा है। तो फिर अभिषेक ने कहा कि जोर से कह। तो एलवी यादव ने जोर से कहा कि वो बेवकूफ का बच्चा है। अब गाइस जब एलवी यादव ने ये बोला तो अविनाश को आवाज आ जाती है। अविनाश ने कहा कि हाँ हाँ डर क्यों रहा है, जोर से बोल। फिर एलवी यादव ने ये कहा कि भाई मुझे तो डर लगता है मेरा पैंट में सूसू भी निकल गया। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब गए चलो नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। गाइस ट्रिगर्ड इंसान की अभी एक ऑडियो लीक हो गई है जिसमें ट्रिगर्ड इंसान ने अपने ब्रदर के बारे में बात की। एंड गाइस उस वायरल रिकॉर्डिंग में ट्रिगर्ड इंसान ने एलवी यादव को भी पोक किया। गाइस ट्रिगर्ड इंसान ने ये भी बताया कि जो मैंने मीटअप रखा था वो मीटअप मैंने नहीं रखा था, वो फुकरा इंसान की टीम ने मीटअप रखा था और उस मीटअप में मुझे इन्वाइट किया था। गाइस ट्रिगर्ड इंसान ने ये भी कहा कि उस मीटअप में मैं मरता मरता बचा हूं। गाइस उस ऑडियो में ट्रिगर्ड इंसान ने और काफी सारी बात की है, आप लोग एक बार खुद सुनिए। इस वजह से तुम लोग स्टोरीज वगैरह में भी कई बार काफी ऑफेंसिव हो जाते हो, काफी सारे लोग हैं जो ऐसी बातें लिख देते हैं स्टोरीज में जो सही नहीं है। भाई तुम लोगों को कुछ नहीं पता भाई मैं अपने भाई के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरे को स्टोरीज में टैग करते हैं, भाई आप भी तो कुछ करो अपने भाई के लिए। आर यू गाइस फॉर रियल? मैं 25,000 लोगों के बीच में लिटरली मरते मरते बचा हूं। मुझे पता है उस मीटअप में मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है? यू गाइस हैव नो आइडिया। वो मीटअप मेरी चॉइस नहीं थी, अभिषेक की टीम ने वो मीटअप करवाया मेरा टू सपोर्ट हिम, तो मैंने वो मीटअप उसके लिए किया, अपने लिए नहीं किया। मैंने आज तक कभी मीटअप नहीं किया। IIT एंड IIIT डोंट काउंट बिकॉज वो कॉलेज फेस्ट थे, they were not meetups. This was the first meetup in my life that I did to support my brother. उसके बाद अगले ही दिन without sleep मम्मी को मुंबई लेकर गया ताकि बिग बॉस के घर के अंदर वो जा सके। नो मुझे कब क्या करना है उसको जितवाने के लिए, मुझे भी स्टोरीज में थोड़ा सा वो दिया करो मेंटल पीस। कभी कभार स्टोरीज बुरी लग जाए लेकिन सामने वाले को ये मत लगने दो कि भाई उसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। लेट देम बी, लेट देम थिंक कि भाई ये तो कुछ नहीं है। भाई आई हैव सीन पीपल जो लाइव स्ट्रीम में बैठ के ना ये बोल रहे होते हैं भाई अगर वोटिंग में आएगी फिर तो कोई हरा ही नहीं सकता। एंड आई एम लाइक हाँ हम तो भाई गधे हैं, हम तो गधे हैं, ऑडियंस तो सारी तुम्हारे पास ही है, हमारे पास तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई ऑडियंस ही नहीं है। सो चिल गाइस, आई नो कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम में बैठ के अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालूंगा बोलूंगा लोगों को करने के लिए, द पीपल जो हमारे साथ है, द पीपल हु फॉलो अस, अब हमारे सब्सक्राइबर्स दे आर एक्चुअली, एक बात मैंने पहले भी बोली थी, बहुत प्यार से बनाई हुई ऑडियंस है ना, तो वो इस